हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि ब्लाउज के लिए अस्तर कैसे कटिंग करते हैं। ये यहाँ पर हमने ब्लाउज पीस की कटिंग कर दी है। ये देखिए कुछ इस तरह से है ये ब्लाउज पीस कटिंग करने के बाद। अब इसको हम डबल फोल्ड कर देते हैं। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के लिए यहाँ पे हुक नहीं है, इसकी वजह से ये जो फ्रंट साइड दिख रही है वो पूरी तरह से एक सलग कपड़े में दिख रही है। अब ये बराबर ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन मिडल लाइन है, सेंटर लाइन, वो हमें एक के ऊपर एक अच्छी तरह से रखनी है। उसके बाद हम इसको डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गई फ्रंट साइड। अब इसके बाद हम बैक साइड कट कर देते हैं। बैक साइड के लिए हुक्स है, इसलिए ये बैक साइड का जो हिस्सा है वो हमें कटा हुआ मिलेगा। ये देखिए इस तरह से। इसको इस तरह से रखकर हम डायरेक्टली भी कट कर सकते हैं। ये गला कट कर देते हैं। बीच का हिस्सा जो है वो हम कट कर देते हैं। इसके बाद हम स्लीव्स के लिए अस्तर कट कर देते हैं। इस तरह से हमने ये फोल्ड कर दी है। फोल्ड करने के बाद स्लीव्स का जो पूरा नाप है, लंबाई वगैरह हमने सब नाप ली है। इस तरह से रख कर तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीका होता है जब भी हम एक किसी भी ब्लाउज पीस से उसके अस्तर की कटिंग करते हैं। ये तीनों पार्ट्स कट करके हमने यहाँ पे रख दिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि ब्लाउज पीस के ऊपर से हम अस्तर कैसे कट कर सकते हैं।